नमस्कार साथियों, 2 दिन हम लोगों ने जबरदस्त बीपीएससी मुख्यालय के आगे बीपीएससी के चेयरमैन महोदय के संदेश देने का प्रयास किया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह से बिना एसटीईटी के कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते थे। यह स्पष्ट रूप से आपने विज्ञापन दिया था, तो जब आपने विज्ञापन दिया था तो आप इसका पालन कर लीजिए, बस यही हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय से। दूसरी बात, जिसके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र नहीं है वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले रहा है, उसने भी फॉर्म भर के परीक्षा दे दी, तो उसके हटाने का प्रावधान किया जाए। तीसरी बात, एसटीईटी का जिसके पास प्रमाण पत्र है उसकी वैधता की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उसकी शैक्षणिक योग्यता सितंबर 2019 के पहले या बाद में है। अगर बाद में है उसका अवैध प्रमाण पत्र है, उसे बाहर किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम ये अभियान शुरू किए हैं। और मेरे साथियों एक बात याद कर लेना, दो विषय में खासकर कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस में 5 से 7 हज़ार ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं और सोशल साइंस में लगभग 10 से 12 हज़ार ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं, सोशल ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी। तो हम ये चाहते हैं, और सभी विषय में 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे हैं सभी विषय में, माने अपेयरिंग वाला, बिना एसटीईटी वाला, सभी विषय में धड़ल्ले से माने हलबड़ाहट में उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब मेरा ये कहना है कि अगर वैसे अभ्यर्थी रहेंगे आगे चल करके तो वो छट जाएंगे, क्योंकि वो अयोग्य हैं। सरकारी नौकरी में तो प्रमाण पत्र की बेहद ज़रूरत है। तो हमारा बस यही कहना है मेरे साथियों कि वैसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, और योग्य अभ्यर्थी जो सही में 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ वही रहेंगे रेस में, और उन्हीं के आधार पर उन्हीं लोगों में मेरिट बननी चाहिए। यह हमारा विचार है और हम इसी विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम बढ़ते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपसे ये आज आह्वान करने के लिए ये लाइव आया हूँ कि आज मीटिंग हम लोग साथियों ने किया, जितने भी एसटीईटी उत्तीर्ण साथी हैं जो वैध हैं, जो वास्तविक में है, रियल है, जिन्होंने 4 सालों से संघर्ष किया है, हम लोग आज बीपीएससी ऑफिस के आगे मीटिंग किया। और मीटिंग में यह तय किया कि शनिवार है आज, कल रविवार होगा, परसों होगा सोमवार, और सोमवार के दिन हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए बीपीएससी आएंगे। तो देखिए मेरे साथियों, 10-20 लोगों से फर्क नहीं पड़ता, एक बार 400-500 लोग अगर पहुंच जाएगा ना बीपीएससी ऑफिस, तो अध्यक्ष महोदय हमारी मामला को संज्ञान में ले लेंगे और मामला को हल कर देंगे। अब अगर नहीं आए तो बर्बादी तय है। अब इसीलिए मेरा निवेदन है आपसे कि सोमवार को आप जरूर आइएगा बीपीएससी कार्यालय, सुबह 9 बजे तक पहुंच जाने का प्रयास करिएगा। सभी विषय के अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो तो धड़ल्ले से आइए, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो 11 तारीख वाला अगर पटना में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीधे बीपीएससी ऑफिस आइए, और जिनका 12 तारीख को है वो तो आप आइए आराम से, कोई हमारा आंदोलन नहीं है। ये हम एक भीड़ में अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहते हैं और अपनी बात को बताना चाहते हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, यहाँ पर कोई भगदड़ नहीं मचने वाला, हम लोग तो मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे 150 लोग रोज जाते हैं बीपीएससी ऑफिस में मिलने, जिनके और कई तरह के भी समस्या है, फोटो समस्या है और कई तरह के समस्या है, वो सब सोमवार को पहुँचिए नहीं तो मामला फंस जाएगा। जिनको पार्शियल वेरीफाई कर दिया है वो सब पहुँचिए, पार्शियल वेरीफाई वाले अगर नहीं पहुँचेंगे सारा मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। सब आइए, मजबूती के साथ हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अध्यक्ष महोदय को संदेश देंगे कि आपने ही तो विज्ञापन निकाला था, आपने ही तो आदेश दिया था कि बगैर एसटीईटी कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता,
वगैरह वैध एसटीईटी प्रमाण पत्र के कोई फॉर्म नहीं भर सकता, तो इसकी वैधता की जांच करिए ना, एसटीईटी प्रमाण पत्र है कि नहीं है इसकी जांच करिए ना। बस यही विचार है मेरे साथियों। कल संडे है और कल संडे को हम लोग सब घर में बैठे रहेंगे। मेरा विचार है कि कल हम लोग अध्यक्ष महोदय को ईमेल करेंगे, सभी अभ्यर्थी लाखों की संख्या में ईमेल करेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्विटर अभियान चलाएंगे कल। और ये टाइम दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 से 1 के बीच में हम लोगों को तबाह तोड़ ट्वीट करना है और ये मेल कर देना है, ईमेल कर देना है, और वो मैं जारी कर दूंगा ईमेल, ईमेल एड्रेस। और ट्विटर के लिए मैं जो बनाया हूँ हैशटैग वो जारी कर दूंगा, इसे यूट्यूब चैनल पे जारी करूंगा, चिंता मत करिएगा। और कुल मिलाकर के हमारा यही आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ये आपकी अपनी लड़ाई है। 5 दिन बाद रिजल्ट निकलेगा और अगर आपका हो गया आपके जिंदगी संवर जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। तय आपको करना है कि जिंदगी बनाने की बात करनी है, तबाही की बात करनी है, आपको आना होगा, नहीं आइएगा बर्बाद हो जाइएगा। तो एक बार बोलिए आइएगा कि नहीं आइएगा, यस और नो बोलिए मेरे भाई, आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल सभी को आना है और सब लोग आएंगे। नहीं आइएगा तो भाई घर में बैठे बैठे बर्बाद हो जाइएगा। मैंने इस मुहिम को उठाया है अपने कंधों पर, और जो भी होगा हम करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और हम कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। ये लड़ाई सभी 80,000 एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है, और वैसे अभ्यर्थी जो एसटीईटी 11-12 के हैं उसके लिए भी लड़ाई है। तो ये अब हम लोगों को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अब हम लोगों को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। पीछे क्या था वो सब मन में से नफरत को मिटा देना है, वो वक्त और परिस्थिति था। हम लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, सभी हम लोग जितने भी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, अब ऐसा वक्त और परिस्थिति आ गया है कि हम लोग मिल करके लड़ेंगे तो तुरंत जीतेंगे, और यही हमारा विचार है। क्योंकि अब परीक्षा हो गया है और परीक्षा के बाद अब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के पहले हम चाहते हैं कि फर्जी को बाहर कर दिया जाए। तो सिर्फ एक ही उपाय है, मिल करके लड़ाई लड़ना, और मन में किसी भी तरह का द्वेष जो होगा उसको समाप्त कर देना है। जाने अनजाने में हो सके मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किए होंगे जिससे आपके दिल आपके आहत हुए होंगे, तो इसको सब समाप्त कर देना है। और हाथ जोड़ करके माफी है किसी भी शब्द के लिए, वक्त और परिस्थिति करवाता है मेरे साथ में। ये वक्त और परिस्थिति का ये मांग है कि हम लोगों को मिलकर लड़ना है, मिलकर के नहीं लड़ेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा 11 सितंबर को जरूर आइएगा, 9 बजे तक बीपीएससी ऑफिस आपको पहुंच जाना है बस। तो सभी लोग आइए, और एक लोग कम से कम 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों को लेकर के आना है। मैं सोच रहा हूं कि अगले 4-5 दिन तक ये अभियान चलाऊं। अब आपको तय करना है कि आप साथ दोगे कि नहीं दोगे। मुझे उम्मीद है कि आप साथ देंगे, भरोसा है मुझे आप पर। मैंने हमेशा अपने भाइयों पे भरोसा किया है, इस बार भी मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। दिल खोल करके जब भी मुझे मौका मिला है मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे लाठी डंडा की बात हो, FIR झेलने की बात हो, जेल जाने की बात हो। जब मैं जेल गया था
तो संपूर्ण 80,000 अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहा था, सबके लिए जेल गया था, सबके लिए अपने माथे पर मुकदमा लेकर बैठा हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पर तब पड़ेगा जब आप आंदोलन में नहीं आएंगे, अभियान में नहीं आएंगे। हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे, हाथ जोड़कर के अतुल प्रसाद सर से यह निवेदन करेंगे कि आपने जो बोला था अपने विज्ञापन का पालन करवा दीजिए, बस, और कुछ नहीं मांग है आपसे, यही मांग है हमारा। अब तय करना है आपको आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे संघर्ष तो करूंगा, अपने लिए भी करूंगा और आपके लिए भी करूंगा, संघर्ष तो करूंगा। आप नहीं भी आओगे फिर भी संघर्ष करूंगा, लेकिन तय आपको करना है कि क्या इस संघर्ष में आप मुझे अकेले छोड़ेंगे। उम्मीद के साथ बोल रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी आएंगे। यही मेरा विचार था। कल का जो ट्विटर अभियान है, वो मेल ईमेल करना है, वो मैं सुबह जारी करूंगा और उसी समय बात कर लूंगा आपसे। बाकी कोई है नहीं, सब जगह जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो तो आराम से आ सकता है, जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो भी आइए। लेकिन जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 11 तारीख को, तो उस दिन आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पटना के जो अभ्यर्थी हैं तो पटना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके और सीधे आ जाइए BPSC ऑफिस, सीधे, समझ गए ना, बगल में ही है, जहां पर BPSC का ऑफिस है उसके जस्ट बगल में कुछ दूरी पर सचिवालय है, वो जो बगल में ना है। कितना देर का रास्ता है? 10 मिनट का रास्ता है, तो 9 बजे के लगभग आपका वेरिफिकेशन तो लेते 11 बजे से होगा। कै बजे से? 11 बजे से पहले नहीं शुरू करता है। तो हमारा विचार है कि जितना सोशल साइंस के पटना सेंटर वाले हैं सबसे पहले BPSC ही आ जाइए और यहाँ पर एक आध घंटा टाइम दे करके अपना चले जाइएगा, और वहाँ से टप टप करा करके फिर आ जाइएगा, 2-4 घंटा रहेंगे हम लोग। तो यही विचार है हमारा, इसी विचार के साथ बढ़ रहे हैं। साथ आएंगे तो हम जीतेंगे जरूर, नहीं आएंगे फिर भी लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे ये तो मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ता हूँ कि जीत हमारी होगी। बस सलोनी जी पूछ रही हैं कि साइंस का क्या होगा कट ऑफ, फर्जी लोग अगर हट जाएंगे तो सबका हो जाएगा, और फर्जी लोग रहेगा तो फिर ऐसे ही कट ऑफ देखते रहिए, नहीं होगा आपका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।